तो भाई लोगों, अब देखो सोम की जो सीरीज है उसमें अगली वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अगली वीडियो जो है, मैंने बताया था कंपाउंड शाफ्ट जो है ओवर हो गया टॉपिक। अब बताता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एनी शाफ्ट। तो भाई इसमें क्या है, देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है ना, ये होता क्या है बताता हूँ। बताया था मैंने पहले, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट जो है शाफ्ट की औकात होती है। औकात मतलब मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट वो शाफ्ट कितना ले सकती है, तो वो चीज़ होती है स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, अब नहीं होगी मेरे हिसाब से, अब ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट में क्या है, ये मैक्सिमम कितना ट्विस्टिंग मोमेंट ले सकती है वही स्ट्रेंथ होती है शाफ्ट की। तो भाई अब देखो क्या है, हमें बता रहा है टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। तो हो गया टी इक्वल टू टाउ इंटू जे बाई आर। तो ये इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा इक्वेशन से ये हमें पता लगा। तो इसमें क्या होता है, अब मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट जो ले सकती है टी मैक्स परमिसिबल, टी मैक्स को कितना ले सकती है वो हो जाएगा टाउ परमिसिबल, क्योंकि हम मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क को कितना ले सकती है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और जो टाउ है उसके परमिसिबल के लिए इसका टाउ मैक्स, या फिर इससे आप समझ जाओ ऊपर जो हुक लगा है, और जे बाय आर मैक्स यहाँ पर आएगा आर मैक्स, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो आउटर मोस्ट पेरीफेरी पर आता है टॉर्सन का केस है, क्योंकि तो जे बाय आर जो है इस टर्म को हम कहते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस, और इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। तो याद रखना ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है, पोलर सेक्शन मॉडुलस है, इसे जेड पी से डिनोट करते हैं, जेड पी। तो जेड पी जो है वो निकाल के आपको बता देता हूँ, अगर ये सॉलिड शाफ्ट होती तो आपको जे पता है पाई डी की पावर 4/32 अपॉन आर मैक्स क्या हो जाएगा डी बाई टू। तो यह आ गया पाई डी क्यूब बाय 16 है ना इक्वल टू जेड बी। ये सॉलिड शाफ्ट है, अगर सॉलिड होती तो भाई ये देख लिया होगा आपने, सॉलिड वाली जो शाफ्ट है उसके केस में क्या आ गया, जेड बी जो आ गया पाई डी क्यूब बाय 16 आ गया, क्योंकि डायमीटर तो सॉलिड शाफ्ट का एक ही होगा, वो डिफाइन कर रखा होगा पहले से। अब देखो अब बात करेंगे हॉलो के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है गेम। अब देखो ये हॉलो अगर होता तो एक होता ही इधर एक होता होता है, अब लिख देता हूँ हॉलो है ना। तो भाई ये देखो इसमें क्या है, हॉलो शाफ्ट अगर होती तो जे हो जाता पाई बाय 32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, ये हो जाता है, ये है पोलर मोमेंट ऑफ एरिया जे। तो जेड पी जो हो जाएगा जे बाई आर मैक्स, यानी कि डी नॉट बाई टू हो जाएगा पाई बाई 32 डी नॉट की पावर 4 बाहर ले दो 1 माइनस डी आई बाई डी नॉट की पावर 4, और ये हो जाएगा आर मैक्स यानी कि डी नॉट बाई टू है ना। तो ये आ गया पाई डी नॉट क्यू बाई 16 1 माइनस बीटा टू दी पावर ऑफ 4। तो भाई ये देखो क्या आ गया, पाई डी नॉट क्यूब बाय 16 1 माइनस बीटा की पावर 4, और बीटा है यहाँ पे रेशियो डी आई बाय डी नॉट। तो आप ये समझ गए होंगे ये है इसका पोलर मॉडुलस हॉलो शाफ्ट का। तो हॉलो शाफ्ट के बारे में भी बात कर ली, और यहाँ पे सॉलिड का किस्सा वाला, तो भाई ये हम क्या निकाल रहे हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो कुछ नहीं करना है, जो टॉर्क होता है वो होता है टाउ परमिसिबल इंटू पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। तो भाई सिंपल सा फंडा है, समझ गए होगे। अब कंपैरिजन और शाफ्ट वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें कुछ नहीं होता है कंपैरिजन भी क्या बनेगा, कि दो शाफ्ट हैं अगर एक हॉलो है एक सॉलिड है, दोनों के एरिया सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दोनों की स्ट्रेंथ का कंपेयर करो इस टाइप से बोलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पैरामीटर्स दिए मान लो एरिया सेम दिए, तो उनके डायमीटर्स का रेशियो आप निकाल लो, उसके बाद स्ट्रेंथ जो है अगर उनका मटेरियल सेम दिया होगा तो
टाउ परमिसिबल तो सेम हो जाएगा, जे वाई आर आप दोनों की निकाल लो, वो डायमीटर के रेशियो में आती है, तो वहाँ पर से कुछ ना कुछ उसने दिया होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो कंपैरिजन ज़्यादा टफ नहीं है, वो एक अलग से टॉपिक बना दिया गया है ताकि जल्दी हो जाए आपको, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो याद हो जाए तो बेहतर है। कंपैरिजन ऑफ शाफ्ट अगली वीडियो में ले लूँगा वाला टॉपिक, ये आप समझ गए होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट जो है मैक्सिमम पिस्टन मोमेंट जो है, मैक्सिमम पिस्टन मोमेंट एट शाफ्ट कैन रेजिस्ट, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम पिस्टन मोमेंट कोई शाफ्ट कितना ले सकती है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट का नाम है, तो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट जो है टॉर्सन में आता है ये चीज़। तो जब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो पहले तो टाउ परमिसिबल आएगा और जे बाय आर मैक्स लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस पे ही मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आती है, तो परमिसिबल लिमिट में हम देख रहे हैं। तो जे बाय आर मैक्स जो है पोलर सेक्शन मॉडुलस है जेड पी, तो सॉलिड के केस में हमने निकाला जेड पी की वैल्यू पाई डी की पावर 4/32 डिवाइडेड बाय आर मैक्स, वो हो जाएगा डी बाय 2, और हॉलो के केस में भी निकाला, ये वाला केस जो है हॉलो का है देखो, तो ये जब हमने निकाला तो जे हो गया था पाई बाय 32 डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, तो इसको जब हमने करा तो जेड पी जो है जे बाय आर हमने करा, आर जो है आर मैक्स आएगा डी नॉट बाय 2, तो ये जब सॉल्व करा पाई डी नॉट क्यूब बाय 16 1 माइनस बीटा की पावर 4, और बीटा मैं पहले भी बता चुका था डी आई बाय डी नॉट रेशियो ऑफ इंटरनल टू द आउटर डायमीटर, और बीटा जो है हॉलो शाफ्ट के लिए आएगा केवल। तो भाई ये चीज़ होगी स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट और पोलर मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, तो हो गया ओवर, बाय।